लाइसेंसी राज की वजह से इकोनॉमी की रफ्तार धीमी। सीसीआई के कार्यक्रम में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, सुधार के लिए अच्छा काम जारी। भारत में घट सकते हैं आईफोन आईपैड के दाम। दिल्ली पहुंचे एप्पल के सीईओ टिम कुक का बयान, बेचना चाहते हैं प्री ओन्ड आईफोन। सुनील भारती मित्तल के ऑफिस पहुंचे एप्पल के सीईओ टिम कुक, पहले गुरुग्राम स्थित एप्पल के कॉरपोरेट ऑफिस गए थे कुक, कल पीएम से मुलाकात का है कार्यक्रम। सामने आए डिफॉल्टर विजय माल्या का एक और गड़बड़ झाला। पीलीभीत के किसान मनमोहन सिंह को बनाया था गारंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब्त किए किसान के बैंक खाते। किंगफिशर एयरलाइंस का बीओबी पर 550 करोड़ बकाया। और बड़ी कोल घोटाले के आरोपी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मुश्किलें, जिंदल के पूर्व सीए सुरेश सिंगल से पूछताछ करेगी सीबीआई। कम हुआ बैंकों पर लोगों का भरोसा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय ने जताई चिंता, एनपीए के लिए 15 दिन में लाएंगे नए नियम। आज भारतीय बाजारों में गिरावट, निफ्टी ने 7,750 का स्तर तोड़ा, सेंसेक्स 98 अंक और निफ्टी 34 अंक की गिरावट के साथ बंद। फोर्ड इंडिया करेगा इको स्पोर्ट्स एसयूवी का रिकॉल, ब्रेक में खराबी के चलते इको स्पोर्ट्स रिकॉल 48,700 यूनिट्स करेगी रिकॉल। केरल में पी विजयन होंगे अगले मुख्यमंत्री, सीपीएम की स्टेट कमेटी ने किया ऐलान, तो 92 साल के अच्युतानंदन से नहीं हुआ हजम, बैठक बीच में छोड़कर निकल गए बाहर। 26/11 मुंबई अटैक पर पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट का बड़ा फैसला, जकी उर रहमान लखवी समेत 7 लोगों पर चले गए 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का केस।